और अपने दोस्त तामा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन नेता बहुजन समाज लोकांत तंपाय में बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों महापुरुषों का कोटि कोटि वंदन करते हुए और मंच को शोभा बढ़ा रहे पूज्य भिक्षु संत मेरी बंदानी और इस सभागार में आए हुए सभी मेरे सम्मानित अतिथिगण माता बहने प्यारे बच्चों दोस्तों मित्रों आप सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम नमोस्तुते। मैं सम्यक समाज संघ S3 का राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हूं। सम्यक समाज संघ अन्याय अत्याचार दुराचार ये कहीं बहुजन समाज पर होता है तो तहे दिल से दिल की गहराइयों से उस खुराबातों का मुकाबला करता है। ये किसी राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं है, ये सम्यक समाज स्त्री का मंच है। चाहे ग्वालियर की घटना हो, चाहे भोपाल की घटना हो, चाहे सीतापुर उत्तर प्रदेश की घटना हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी के लीडर ने आंदोलन नहीं किया। वोट हर राजनीतिक पार्टी बहुजनों की लेना चाहती है लेकिन बहुजनों की लड़ाई लड़ना कोई नहीं चाहता। स्त्री संघ बुद्ध में भारत के लिए संकल्प लिए हुए हैं, जगह जगह बुद्ध विहार का निर्माण कराएगा। जो बुद्ध विहार ऑलरेडी बने हुए हैं वहां बुद्ध की शिक्षा का आदान प्रदान होगा, ऐसा हमारा संकल्प है। जब हम सर्वप्रथम सम्यक समाज संघ के S3 के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लाखन सिंह गौर जी से सर्वप्रथम मिलने ग्वालियर गए तो दिल्ली से 6 लोगों की टीम गई। उन्होंने ग्वालियर में 5 बौद्ध विहारों का अवलोकन हमको कराया। हमें ऐसा लगा कि एक दोनों पैरों से विकलांग होते हुए भी धर्म के कारवां को आगे बढ़ा रहा है, बड़ा सराहनीय काम है। हमने दिल्ली बुलाया, दिल्ली पश्चिम बिहार बौद्ध विहार पर 2 दिन की सेमिनार हुई और उसमें निर्णय किया गया कि जो बौद्ध विहारों में बिहार का काम नहीं हो रहा है, ज्ञान का चलन प्रचलन नहीं हो रहा है, वहां पे स्कूल खोले जाएंगे। तो समय समाज शिक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पर सभ्य समाज की बात नहीं हो रही, राजनीति की बात ज्यादा हो रही है। हमें किसी से मतभेद नहीं है, जो बहुजनों के हित में बहुजनों के कल्याण के लिए बहुजन नेता बहुजन सुखाई के लिए जो भी आंदोलन खड़ा होगा हमारा वोट बैंक भी उसी के साथ खड़ा हो जाएगा। माननीय काशीराम साहब ने जो बहुजन की बात की है उसका हमें डर है, क्योंकि हमारे इस देश में बहुजन समाज नहीं है, बहुजन समाज के टुकड़े 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 हो रहे हैं। इस बहुजन समाज को मान्यवर साहब के जाने के बाद कोई भी कारवां जोड़ने का नहीं चला है। जो हम 6,743 जातियों में जो बटे हुए लोग हैं, जब हम समता में आते हैं बंधुता में आते हैं प्रेम की भावना में आते हैं तो हमारा सामाजिक गठजोड़ मजबूत होगा, और जो हमारा सामाजिक गठजोड़ मजबूत होगा तो उसमें यह भी निर्णय किया जा सकता है कि कौन आदमी बहुजन कल्याण के लिए काम कर रहा है। मैं नाम कुछ नहीं लेना चाहता, मैं आखिर में एक बात समाप्त कर दूंगा कि सबने समाज में जो जुड़ना चाहते हैं वो लोग शिक्षा के लिए बुद्ध में भारत के लिए अत्याचार के लिए खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं वो इस संगठन से जुड़े। बाकी मैं बाबा साहब के सम्मान में एक बात कह देना चाहता हूं
कि बाबा साहब की बात को इस बहुजन समाज ने नहीं स्वीकारा। जब बाबा साहब की बात को ये बहुजन समाज स्वीकार कर लेता तो नई नई पार्टियों का गठन नहीं होता, नई नई सामाजिक संगठनों का गठन नहीं होता। रही बात हमारे धर्मगुरु की, क्रेग दास सम्राट अशोक जिन्हें प्रदीय सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपनी धन दौलत अपनी बेटी बेटा को इस धर्म के लिए न्योछावर कर दिया, और आज हमारे लीडरान लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, तो क्या हम ऐसे बहुजन समाज को, लालची नेताओं को घिर भी रख दें? आपको चिंतन करने की जरूरत है। हम बुद्ध में भारत का सपना देखना चाहते हैं, हमें क्या की पुरुष की जरूरत है? सम्राट अशोक ने एक गधे पर जीवन जा रहा था, उसको भी नमन किया था, और हमारे लोग तो धर्मगुरु की गरमा को भी नहीं जानते, कैसे उतना भारत होगा? मैं ज्यादा बात में कह करके एक दोहा में अपनी बात को समाप्त कर देता हूं। आखिर तक फंसे, आखिर तक फंसे रहे, लिया बहुतों का सहारा है। आखिर तक फंसे रहे, लिया बहुतों का सहारा है। धोखा हमें देते रहे, ना दिखाया कोई किनारा है। और बौद्ध धर्म अपना लो सारे, यही धर्म हमारा है। एक बार सब मिलकर बोलो, जय भीम हमारा नारा है। मेरे साथियों, अत्याचार कौन कर रहा है? ब्राह्मण नहीं कर रहा। अब ब्राह्मण को गाली दे रहे, थकने थक नहीं रहे। अत्याचार हमारा भाई कर रहा है, जिसे हम चार नाम से जानते हैं, गुर्जर जाति से जानते हैं, यादव जाति से जानते हैं, और ओबीसी की क्लास है, वो हम पे अत्याचार कर रहा है। मैं क्या फिर कितने बता सकता हूं? ब्राह्मण कभी हम अत्याचार नहीं करता, ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन क्या बहुजन समाज का सपना देखने वाले लोग उस ओबीसी समाज में जाकर के उन ओबीसी महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया है उनको जानकारी देने का काम करता है? यदि मेरे ओबीसी समाज में ग्रेट का सम्राट अशोक, छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, रामस्वरूप वर्मा जी, ललित सिंह यादव, जो और बहुत कितने नाम हैं बहुजनों ने जो काम किया है बहुजन समाज के लिए, यदि उनके बारे में एबीसीडी भी जानता तो आज ये दिन हमको देखने के लिए नहीं पड़ते। मैं किसी राजनीतिक बातें की बहुत बुराई नहीं करता, तो भाई ना करे भाई, तो मैं ज्यादा ना बोल करके बहुत ज्यादा बोल गया, गुस्सा बहुत है, बात बहुत ही करना चाहता हूँ, लेकिन इन्हीं कम शब्दों में आप सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम। और सब लोग एक सामाजिक संरचना, एक बहुजन समाज का